श्री हरिवंश राय बच्चन, एक ऐसे कवि जिनकी जिनकी रचनाओं में हमेशा एक उम्मीद होती है। किसी भी मुश्किल में, किसी भी परिस्थितियों से, उनके बीच से निकलने का जो रास्ता सुझाते हैं, जो जो वो अंदर की आत्मा को जगाते हैं, वो एक खास विशेषता रही है उनकी रचना में। मैं बहुत छोटा था, उनकी एक रचना जो मैंने पहली बार सुनी थी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हमेशा, वो रचना मैंने पहली बार सुनी थी और मुझे उसकी 4-5 लाइनें यूं ही याद हो गई थी। बाद में जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, वो रचना कई बार ऐसे पढ़ने में आई और याद हो गई। और हमेशा जिंदगी के मुश्किल पलों में, जब भी आपको लगता है कि आप अकेले हैं, जब भी आपको लगता है कि आपके सारे सारे जो तरक्की के उम्मीद के रास्ते हैं वो बंद है, उस टाइम पर ये पता नहीं एक टच जो दे जाती है, जो एक उम्मीद जगा जाती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, वो रचना मैं जो कि आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। बड़ी अच्छी रचना है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना उसे अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।